रेल पटरी पर गैस सिलेंडर रखा मिला। इससे पहले भी कुछ ऐसा ही पैटर्न सामने आ चुका है। लोको पायलट की सावधानी से सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। मालगाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया गया। देखिए, मालगाड़ी कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई है और ट्रैक पर कैसे ये गैस सिलेंडर रखा हुआ था। अब जो पूरी टीम है, जांच एजेंसियां हैं, वो जांच में जुटी हैं कि आखिर ये कहां से आया और ये किस तरह से बार बार ट्रेन को लेकर या पटरी को लेकर, ट्रेन की पटरियों को लेकर इस तरह की साजिश रची जा रही है। कुछ न कुछ ट्रेन की पटरियों पर बिलता दिख रहा है, जो एक नई साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया है। इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया और फिर गाड़ी को, ट्रेन को रोक दिया गया। लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये ट्रैक पर, ठीक ट्रैक से सटा हुआ गैस सिलेंडर रखा हुआ है। तो ट्रेन डिरेल करने की एक नई साजिश सामने आई है। कानपुर में क्या क्या हुआ है आपको बताते हैं। सुबह 5:50 पर मालगाड़ी ट्रैक से गुजर रही थी। मालगाड़ी कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी। और फिर लोको पायलट ने सिग्नल से पहले गैस सिलेंडर रखा देखा। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी रोक दी। सुरक्षा बलों के साथ पूरी टीम ने मौके पर आकर जांच की है। ट्रैक पर 5 लीटर वाला खाली गैस सिलेंडर रखा हुआ था। कानपुर देहात के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास की ये घटना है। और आइए अब आपको 13 दिनों में हुई 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि देश में ट्रेन टेरर फैलाने की साजिश रची जा रही है। हर दुर्घटना के बाद ऐसे सबूत हाथ लगे हैं, जिससे शक और ज्यादा गहरा रहा है कि हो क्या रहा है ये। पहली घटना 21 सितंबर यानी कल देर रात की है, जब सूरत के पास रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट निकाल दी गई। दूसरी घटना 19 सितंबर की है, जब यूपी के रामपुर में पटरी पर बिजली का खंभा रखा गया था, जो तस्वीरों में देख रहे हैं आप। तीसरी घटना 11 सितंबर की है, जब हरदोई में दुर्गियाना एक्सप्रेस जो OHE तारों से उलझ गई, उसके बाद ये घटना सामने आई। इससे धमाके के साथ OHE लाइन लगभग 500 मीटर तक क्षतिग्रस्त भी हुई। ये तस्वीरें भी देखी। बिजली बाधित होने से राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें जहां की तहां खड़ी रह गईं। चौथी घटना 8 सितंबर की है, रात की है, जब कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे सिलेंडर से टकरा गई। घटनास्थल के पास से एक पेट्रोल से भरी बोतल भी मिली। NIA इस मामले की जांच में जुटी है। पांचवी घटना भी 8 सितंबर की रात की है, जब राजस्थान के अजमेर में एक ट्रेन सीमेंट के ब्लॉक से टकरा गई। अजमेर में सरादना और बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी के ट्रैक पर 2 जगहों पर कॉन्क्रीट ब्लॉक रखे गए थे। गनीमत यह रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की घटनाओं की दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 55 दिनों में ट्रेनों को डिरेल करने के लिए 20 से ज्यादा कोशिशें की गई हैं। अलग अलग राज्यों में रेलवे ट्रैक में छेड़छाड़ की घटनाएं आपको बताते हैं कि किस तरह या संयोग या आतंकी प्रयोग रेलवे ट्रैक के दुश्मन कौन है। 8 सितंबर 2024 सोलापुर में, महाराष्ट्र में, रेलवे ट्रैक पर रखा गया बड़ा पत्थर। 30 अगस्त 2024 पलामू में, झारखंड में, ट्रैक से 100 जो क्लिप है वो चोरी हो गए, पेनरोल क्लिप जो है वो चोरी हो गए। 28 अगस्त 2024 राजस्थान के 12 में भी घटना हुई, जिसमें 23 अगस्त 2024 फरोखाबाद में ट्रेन पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिला। इस तरह की कई घटनाएं एक साथ सामने आ रही हैं। कुमार कुंदन और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, एक और घटना कई सवाल खड़े करती है, कॉन्स्पिरेसी से जुड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है और यही घटनाएं सामने आ रही हैं बार बार एक ही तरह की। देखिए नहीं, सबसे मजेदार बात यह है कि एक तो पैटर्न सेम है, दूसरा इलाका भी ऑलमोस्ट सेम है। आप देखिए, कानपुर जोन के आसपास ही इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हालांकि कुछ घटनाओं में ऐसा भी देखा गया कि राजस्थान और गुजरात में भी ऐसा हुआ है, और ये सब कुछ दिनों से हुआ है। तो कई सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि रेलवे
उच्च स्तर पर इसकी पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश है और जांच भी कर रहा है। इसके साथ ही रेलवे ने NIA और तमाम तरह की एजेंसियों को भी इसके लिए लगाया है। निश्चित रूप से जो घटनाएं हो रही है वह घटनाएं ऐसी है जिसमें कि जान जा सकती है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और गैस सिलेंडर रखना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। शायद यही वजह है कि इस मामले की भी रेलवे ने उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाल के दिनों में जिस तरह से घटनाएँ बढ़ी है वो घटनाएँ रेलवे के लिए परेशानी का सबब बन रही है। निधि, रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन रही है और क्या इशारा कर रही है इसके मायने बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए जांच एजेंसियां भी लगी हुई हैं कि सेम तरह की घटनाएं क्यों बार बार सामने आ रही हैं और इसके पीछे कौन है।